जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में। जी साथियों, आपका सभी का रिटर्न एग्जाम हो चुका है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा आपका रिटर्न एग्जाम हुआ होगा। तो दोस्तों, सभी साथी जितने भी आपके मार्क्स आपको लग रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएगा, अपनी जो ट्रेड है वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपकी आंसर की आने वाली है, और दोस्तों आंसर की के बाद कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपका ट्रेड होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों इस भर्ती के लिए कौन सी ट्रेड की कितनी आपकी एक्सपेक्टेड है, वो कट ऑफ आपकी ट्रेड के लिए रह सकती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भाई दोस्तों, कौन सी ट्रेड से आपने एग्जाम दिया है कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, कंप्लीट एक एक करके है वो कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों हम बात करने वाले हैं आपकी आंसर की कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है। साथियों अगर मैं बात करता हूं तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो विथ इन वीक, यानी दोस्तों जो वीक चल रहा है तो 5 जनवरी के आसपास या इससे पहले पहले, 5 जनवरी से पहले पहले आपकी दोस्तों जो आंसर की है वो दोस्तों जारी है, वो एसएसबी की तरफ से इससे पहले पहले आपकी आंसर की है वो जारी है, एसएसबी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी जाएगी। जैसे आंसर की जारी की जाएगी हम आपको सबसे पहले सूचित है वो करने वाले हैं। अगर दोस्तों आंसर की आपकी आने वाली है, आंसर की के पास बाद में दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है, तो हम आपके लिए बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि आखिर आपकी कट ऑफ है वो साथियों कितनी रह सकती है। दोस्तों आपकी हम पोस्ट की बात करते हैं कि आखिर साथियों आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी ट्रेड में कितनी थी। तो दोस्तों अगर ट्रेड वाइज हम पोस्ट देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट आपको देखने को मिली थी जिसमें कई ऐसी भी ट्रेड है जहां बहुत कम, जैसे 1, 3, 4, 5 ऐसी पोस्ट थी। और दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों जो पोस्ट है वो कुक मेल के अंदर है, 165 की कट ऑफ आपको पता है कि ठीक ठाक रहेगी, इसकी भी कम नहीं रहेगी। परंतु एक बात यह भी है कि इसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म भी है वो कम ही अप्लाई हुए थे। अगर हम पिछली आपकी कट ऑफ को कंपेयर करें, 2020 वाली कट ऑफ को कंपेयर करें, तो किसी भी ट्रेड की जो साथियों को जो कट ऑफ रहेगी, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी की बात कर लेता हूं, तो वो 70 से नीचे नहीं रहेगी। यानी दोस्तों अब कुछ आपको ये बोलेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पर रहेगी, 45 पर आपकी एससी वालों की रहने वाली है, पर वो कहाँ की रहेगी, वो इस वाली ट्रेड की रहने वाली है जहां दोस्तों आपकी पोस्ट है वो एससी की ठीक ठाक पोस्ट है, वहां ये 45 भी वहां नहीं रहेगी क्योंकि फॉर्मों की संख्या ज्यादा है। अगर मैं 1500 वाली जो पोस्ट थी उसकी बात करूं तो उसमें पोस्ट अच्छी खासी थी ट्रेड की, तो वहां कट ऑफ कईयों की मिनिमम क्राइटेरिया पर लगी थी ट्रेड के लिए। अब साथियों अगर मैं बात करूं तो जो फाइनल कट ऑफ है वो 70 से नीचे किसी भी ट्रेड की होने की उम्मीद न के बराबर है। अगर मैं यहां छोड़ दूं, एक आपके है चिटी कुक मेल की जिसमें 165 पोस्ट है। अगर मैं ड्राइवर की बात कर लेता हूं साथियों, तो दोस्तों ड्राइवर में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 39 पोस्ट जनरल में है, ईडब्ल्यू है ओबीसी में 27, एससी में 14 है, टोटल 96 की आपकी पोस्ट है। तो यहां अगर आप अभी से आपके 70+ मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी से, इसके अलावा आपके जनरल से, या आपके जो मार्क्स है वो ईडब्ल्यूएस से है, वो 70+ मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आज से ही आप ट्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बाकी ट्रेड की बात करूं तो उनके पास 4 से 5 दिनों में वो अपने अच्छे से गाड़ी सीख, अपने अच्छे से ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। परंतु अगर आप ड्राइवर की बात करें तो पिछली बार आप जब में से कई साथियों ने अगर ट्रेड दिया है तो उनको अच्छे से पता है कि ट्रेड आपका है वो अच्छे लेवल का है, वो होता है। तो अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो आज से ही दोस्तों एसएसबी तैयारी की, आप एसएसबी ड्राइवर की तैयारी हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए बैच शुरू हो चुका है, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन है वो एसएसबी ड्राइवर पिछली बार हमने दिए थे। जो ऑप्टिकल वहां आपको करवाए गए थे उसकी इस बार पहले से ही आपकी प्रैक्टिस है, वो आपकी करवाई जाएगी, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूं कि आखिर है वो बाकी की जो ट्रेड है जिसमें कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों मिनिमम कट ऑफ मार्क्स में बात कर लूं, या पहले जब आपकी पहली कट ऑफ लगेगी उसी पर डिसाइड होगी कि अगली कट ऑफ कितने में लगने वाली है, क्योंकि एक एग्जैक्ट आंकड़ा तभी पता लग पाएगा कि कितने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ का आइडिया लग जाता है।
अब दोस्तों कब तक आपका रिजल्ट आएगा? तो एसएसबी की जो जितनी भी भर्तियां हैं वो मिशन मोड के तहत चल रही है। तो दोस्तों इस भर्ती का रिजल्ट आपको जनवरी के एंड तक देखने को मिल जाएगा। कब तक? जनवरी के दोस्तों एंड तक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फरवरी फेस्ट तक दोस्तों जो आपके है वो ट्रेड टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। यानी दोस्तों सभी के पास है वो लगभग आपके एक महीने का टाइम है ट्रेड की तैयारी करने के लिए। तो बेहतरीन जैसे आंसर की आए या उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो आप ट्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए ड्राइवर के लिए है वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आगे की अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे आंसर की आएगी उसी के बाद में एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया हम लगा पाएंगे। आप सभी साथी आंसर की आने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।